हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धे स्टूडेंट। तो हम कल से जो आगे उसको देखेंगे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन एवं जागरण, मतलब बोल रहे थे ना कि विषय सूची के रूप में देख रहे हैं, तो वही है अभी देख रहे हैं। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन एवं जागरण 19वीं सदी की बात है। तो पंजाब, कलकत्ता, मतलब इतने छोटे छोटे भागों में बटे हुए थे। तो आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन, ये सब ऐसे समाज सुधारक जो थे, दयानंद सरस्वती जैसे, विवेकानंद, ऐसे लोग मतलब इन सब की स्थापना किए थे। आगे इन सुधार आंदोलन के तहत हुए महत्वपूर्ण कार्य क्या थे, महिलाओं की भूमिका, उनकी स्थिति और उनकी स्थिति में सुधार क्या थे, तो ये सब है। ये सब अभी हम देखेंगे, लोग विस्तार से इसके बारे में देखेंगे आगे चल के। और फिर आता है, फिर स्टार्ट होगा भारत का स्वतंत्रता संघर्ष राष्ट्रवाद से प्रेरित। तो मतलब कि राष्ट्रवाद का उदय एवं कारण, मतलब ये देखेंगे। तब जैसा कि मैंने बोला था पीछे कि छोटे छोटे पंजाब, अवध, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, इसमें बटे हुए थे, तो उसी टाइम का ये है। और फिर उसके बाद राष्ट्रवाद एवं इसके भारत में उदय के कारण क्या थे इसके, तो ये पहले 1885 के पहले का ये है। उसके बाद से हम देखेंगे कि 1885 के बाद क्या हुआ। तो 1885 के बाद में तीन चरणों में विभाजित हुई चीज़ें, जैसे कि पहला फर्स्ट उदारवादी, जैसे इसको नरमपंथी भी कहते हैं, और इसके बाद उग्रवादी, इसको गर्मपंथी भी कहते हैं। फिर उसके बाद गांधीवादी चरण, 1885 से लेकर 1905 तक उदारवादी चरण था। फिर उसके बाद 1905 से 1919 उग्रवादी, जैसे इसमें कि लाला लाजपत राय वगैरह, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, तो ऐसे लोग थे यहाँ पे। उसके बाद गांधीवादी जो चरण था, इसमें किसान, मजदूर, वामपंथी, समाजवादी, पूंजीवादी, महिलाएं, क्रांतिकारी, मतलब इसमें अनेक लोग थे इस टाइम पे। ये गांधीवादी जो चरण था, इसमें रुक रुक के, ऐसे कोई भी आंदोलन होता था तो रुक के करते थे, फिर अपनी मांगें मनवा लेते थे, तो फिर उसके बाद आंदोलन रोक देते थे। तो ऐसे ही होता था कि मतलब कि ज़्यादा उस टाइम एकदम उग्रता से, क्योंकि गांधी को पता था कि एक तुरंत से ही हम आज़ादी नहीं पालेंगे, तो वो धीरे धीरे करके चीज़ें करते रहते थे। तो उदारवादी में तो पता था कि ऐसे बस नॉर्मल बैठके बैठे करते थे, कांग्रेस की जितनी बैठक थी, बहस थी, ये सब होती थी, मतलब कोई आंदोलन वगैरह कुछ भी नहीं करते थे, बस खाली बैठकें होती थी, जो आज तक कांग्रेस की जितनी बैठकें हुई हैं। 1905 से 1919 के बीच में फिर ये लोग बोले कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हम लोग को आंदोलन वगैरह करना पड़ेगा, हमें अपना आवाज़ उठाना पड़ेगा, चीज़ें ज़बरदस्ती की जाए, ज़बरदस्ती का होता। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन का एक चरण है 1885 के बाद से ही। तो इसमें और बंगाल विभाजन जो हुआ था वो 1905 में, तो वो राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना था, राष्ट्रवाद को जो होता है अंदर भावना, उसको कमज़ोर करना था। तो देखेंगे इसमें मध्यवर्गीय भूमिका, नेताओं की भूमिका, मध्यवर्गीय संघर्ष, महत्वपूर्ण विचारधाराएं, इसमें सब जितने राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उसके बीच में ये सब चीज़ें देखने को मिला। उसके बाद देखेंगे 1885 में महत्वपूर्ण बदलाव हुए, टर्निंग पॉइंट जिसको कहते हैं ना कि एक टर्निंग पॉइंट जो होता है, जैसे कि पहले क्या होता था कि खाली चीज़ें मतलब कि बटी हुई थी, मतलब कोई बैठक वैठक नहीं होती थी, बस खाली हाँ ठीक है चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। तो लेकिन 1885 के बाद एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, मतलब कि उसकी स्थापना हुई कांग्रेस की। उसके बाद से फिर जैसे कि मांगे अपनी क्या हैं, क्या कैसे हम लोग को आज़ादी करना है, कैसे ब्रिटिश को के से छुटकारा पाना है, तो ये सब चीज़ें होती थी। फिर 1909 में वो स्वदेशी आंदोलन तथा कारण हुआ, फिर उग्रवादी राजनीति, फिर 1905 में बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए था, कि एक जो भावना है वो ख़त्म कर दी जाए। हिंसक संघर्ष, सशस्त्र क्रांतिकारी का उदय, 1919 गांधी का उदय हुआ। आए तो 1915 में थे, लेकिन 4 साल लग जाता है इनको अपना, जैसे कि होता है ना गांधी, एक चीज़ और हम यहाँ देखेंगे, गांधी में और मोदी में कुछ समानता रहती है। देखिए जैसे गांधी का क्या था, गांधी क्यों इतना प्रसिद्ध हुए, कि जहाँ जाते थे वहीं की लैंग्वेज में करते थे, जैसे जाते थे वहाँ की लैंग्वेज, जैसे आज मोदी हैं जहाँ जाएंगे उसी की लैंग्वेज में बात करेंगे। फिर आगे 1920, ये फैक्ट के लिए भी, एक्चुअल क्वेश्चन जो हैं फिल्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ को हमको अच्छे से आगे 1920 लेना था, 1919 ये सेकेंड था, फिर रूसी क्रांति 1917 में हुए, ऐसे प्रभाव से वंथ का उदय हुआ। वामपंथ मतलब कि समाजवादी जो होती हैं का उदय हुआ। फिर सांप्रदायिकता एवं विभाजन हुआ, सांप्रदायिकता का आशय, सांप्रदायिकता जैसे क्या कि अंग्रेज पहले देखे कि हाँ अरे ये तो पूरा एकदम बढ़ते जा रहे हैं, तो इन्होंने एक सांप्रदायिकता का वो भाव लेके आया कि धर्म के आधार पर बांटना स्टार्ट कर दिया।
संप्रदाय, फिर आगे पढ़ेंगे संप्रदायता का आशय, संप्रदायता के विकास के कारण, इसके प्रभाव एवं परिणाम, फिर ये आगे चीज़ें हम देखेंगे। तो तीन फेज में कैसे सांप्रदायिकता भी साथ में चला राष्ट्रीय आंदोलन के तीन चरण में। आपको पिछले पीछे बता चुके हैं हम कि 1885 से 1905, 1905 से 1919, 1919 से 1947, तो ये चीज़ें देखी गई। आगे 1920 से 1935 उग्रवादी सांप्रदायिकता का उदय हुआ और 1937 में चुनाव हुआ। फिर टर्निंग पॉइंट, देखिए टर्निंग पॉइंट 1937 में जो था कि मुस्लिम और इसमें स्टार्ट हो गया, मुस्लिमों में और हिंदुओं में बंटवारे का जैसे स्थिति उत्पन्न स्टार्ट हो गई थी। तो 8 में कांग्रेस आई, 3 में अन्य आए, 1940 में मुस्लिम लीग की बैठक तथा पाकिस्तान की मांग हुई 1940 में। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये आप इनको सन याद रखिएगा, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन कहा गया कि कोई बटेगा नहीं। 1946 में कहा गया कि विभाजन अनिवार्य था, किसकी देन थी, ये सब आगे हम लोग देखेंगे। कांग्रेस ने क्यों भारतीय विभाजन को स्वीकार किया। 1940 से 47 पाकिस्तान आंदोलन, विभाजन का परिणाम, विभाजन का प्रभाव, सबसे ज़्यादा महिलाओं पर, अधिक प्रभाव महिलाओं पर ही पड़ा क्योंकि उस टाइम पर एक रेप जैसी घटना और बहुत चीज़ ऐसी थी जो झकझोर देने वाली थी। तो ये सब चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर, तो हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। ये स्टार्ट हम लोग यहीं से करेंगे, ये स्टार्ट मतलब इसको एक ऊपर टॉपिक यहाँ पे थोड़ा नोट डाउन कर लेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन से पहले का चरण, जैसे टू फेज में हम लोग पीछे बांटे हुए थे, तो पहला चरण हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से पहले का चरण। तो इसमें आएगा भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। तो विदेशी कंपनियों का आगमन इस प्रकार था, पुर्तगाल, फिर डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। तो इसकी हम चार्टिंग कर लेंगे कि चार्ट बना लेंगे एक एक की कंपनियां कैसे आईं, इनका भारत में फर्स्ट कंपनी कहाँ, महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था, व्यापार की दिशा, इनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्या था, विशिष्ट पक्ष इनके क्या थे, तो हम यहाँ से इसे देख लेंगे। तो कंपनी पहले जैसे बताया कि हमने पुर्तगाल, तो पुर्तगाल कंपनी का नाम इस्टादो दा इंडिया। भारत में फर्स्ट कंपनी कोचीन और महत्वपूर्ण केंद्र से कालीकट, बसीन, कोचीन, गोवा, दमन दीव, सूरत, आगरा, चटगांव, नेगीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में है ये। व्यापार दिशा एक्सपोर्ट मतलब जो मसाला करते थे, सूती वस्त्र, सोरा, अफीम, चीनी, हाथी का दांत की वस्तु, तो ये सब थे, ये लोग एक्सपोर्ट करते थे। इम्पोर्ट क्या करते थे कि सोना, चांदी और ये पारा है, शराब, कांच की वस्तुएँ, ये सब करते थे। इनकी विशिष्ट पक्ष क्या थे कि पुर्तगाली अनेक फसल लाए जैसे आलू, टमाटर, मक्का, वनीला, अनानास, कहवा, काजू, तंबाकू, फ्लेक। और एक चीज़ हम लोग ध्यान रखें कि चावल नहीं करते क्योंकि चावल भारत की ही पहचान है, भारत में ही चावल की खोज हुई थी। तो यांत्रिक घड़ी, एस्ट्रोलैब, अक्षांश, ये एस्ट्रोलैब जो है अक्षांश देशांतर मापक है। और सबसे जो पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में पुर्तगाल के द्वारा ही स्थापना किया गया था। और जो है बाइबिल नामक पुस्तक पहले छापी, यहीं छापी गई थी पहले। उसके बाद फिर डच आए, डच का गठन 1602 में, भारत आगमन इनका 1605 में हुआ। इनकी कंपनी का नाम था वेरिंग दे पोस्ट इंडी से। तो जैसा कि यहाँ पे हम देख लेंगे इनकी पहली मुस्लिमपट्टनम में, फिर कुलीकट, फिर ऐसा देख लेंगे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, मतलब वही सब था। इसको हम लोग एक नज़र से ऐसे देख लेंगे। और उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज 1608 में, ईस्ट इंडिया कंपनी इनका नाम था, मुस्लिमपट्टनम, सूरत, अहमदाबाद, कैम, मुस्लिमपट्टनम, ये सब देख लेंगे एक्सपोर्ट क्या करते थे, इम्पोर्ट क्या करते थे। इनकी विशिष्ट जो थी अभिष्टता जो थी बच्चे दो था इनका, इनका 1757 से पहले व्यापारिक बन के कार्य किए, इसके बाद राजनीतिक कंपनी बनाई, भारत में उपनिवेश की स्थापना किए और शासन की स्थापना किए, उपनिवेशी मतलब कि उपनिवेशी शासन की स्थापना किए। उसके बाद डेंस आए, डेंस 1620 में, डेंस ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था इनकी कंपनी का नाम। और यहाँ भी इनकी त्रम्बकोर में पहली कंपनी, उसके बाद श्रीरामपुर बंगाल में, फिर एक्सपोर्ट किया करते थे। और इनका जो विशिष्ट पक्ष था वो ईसाई मिशनरी को बनाना था। ईसाई मिशनरी का मतलब होता है धर्म प्रचार, किसी धर्म का प्रचार करना। जैसे धर्म प्रचार कैसे किया जाता है, लालच दिया रहता है कि आ जाइए हमारे धर्म में, ये रहेगी, वो रहेगा, वो चीज़ें मिलेंगी आपको में। और एक जैसे चिकित्सा वगैरह से, हम इलाहाबाद में आप देख लेंगे प्रयागराज में कि नाजरत हॉस्पिटल है, तो वो धर्म के नाम से ही है नाजरत। और बहुत सारे स्कूल्स भी हैं, शिक्षा, जैसे शिक्षा हो गया, तो ये सब चीज़ें धर्म प्रचार ऐसे भी किया जाता है। बाद में फिर फ्रांसीसी देखेंगे, इसकी पहली कंपनी जो थी भारत में वो सूरत में थी, मुस्लिम चंद्र बंगाल, पांडिचेरी, महत्वपूर्ण देश के, एक्सपोर्ट क्या करते थे, मसाला, वस्त्र, धागा, हाथी, दांत के सामान, ये सब याद करने की चीज़ें हैं कि क्या ऐसी थी। बाकी एक नज़र से आप इसको देख सकते हैं। बाद में आने के बावजूद इनका विशिष्ट जो पक्ष था वो है, बाद में आने के बावजूद भारत में साम्राज्य स्थापना करने की पहली कोशिश डुप्ले ने की, लेकिन असफल रहा। डुप्ले ने पहले मतलब साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की लेकिन असफल रहा, नहीं हो पाया।
अब उसके बाद कल हम देखेंगे कि आगे से एक नया स्टार्ट किया जाएगा, पुर्तगाल से देखेंगे और उसके बाद आई क्लास कल होगी। चलिए ठीक है, और ये एक वीडियो जो है रिवाइज़ करने के लिए है, बाकी नोट्स आपको विजय वेद सर की लेना पड़ेगा। विजय वेद सर हिस्ट्री के टीचर हैं और इनकी फुल क्लास लेने के लिए आपको धेम एडमिशन लेना पड़ेगा। और अच्छा तो टीचर हमको सबसे अच्छे यही लगते हैं, तो उन्हीं का नोट्स चाहिए। और ठीक है, थैंक यू।